नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। थाना ढीमरखेड़ा की पुलिस इस समय बहुत सक्रिय नजर आ रही है। आपको बता दें कि उच्च अधिकारी के निर्देश और आगामी लोकसभा चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए ढीमरखेड़ा पुलिस ने वाहन की सघन जांच चेकिंग की जा रही है। दिन बुधवार को वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन क्रमांक MP20CH9590 कार को चेक किया गया, जो वाहन चालक रविंद्र अग्रवाल पिता परसराम अग्रवाल उम्र 44 वर्ष निवासी जैन मंदिर के पास हनुमान ताल जबलपुर द्वारा एक थैली में पन्नी के अंदर रखे 6 किलो चांदी कीमत 4.50 लाख के आभूषण मिले, जिसकी विधिवत कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी मोहम्मद शाहिद, अवध भूषण दुबे, सुरेश चौधरी, महेश झारिया, अजीत सिंह, चंद्र सिंह, पंकज की विशेष भूमिका रही। आचार संहिता लगी हुई है, जिस आचार संहिता के दौरान 50,000 से अधिक की राशि या कोई कीमती वस्तु जो किसी मेटल्स में आते हैं, इससे अधिक राशि के साथ में लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन्हीं नियमों का पालन कराने के लिए सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान लगाने निर्देशित किया गया था। कल दिनांक 20 मार्च को वाहन मोड़ पर थाना ढीमरखेड़ा के पुलिस स्टाफ द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक सफ़ेद रंग की कार MP20CH9590 ढीमरखेड़ा तरफ से झरना पिपरिया की ओर जा रही थी, जिसे रोककर चेक किया गया, जिसमें वाहन चालक रविंद्र अग्रवाल निवासी जबलपुर के थे। वाहन को चेक करने पर जो वाहन में थैली रखी हुई थी उन्हें चेक किया गया, तो उसमें चांदी के आभूषण थे जो तौल की गई करीब 6 किलो 315 ग्राम के आसपास का वजन था, जिस संबंध में उनसे वैध कागजात चाहिए गए और पंचनामा तैयार कर उसमें विधि अनुसार कार्रवाई की जाए।